मैं हूं दीपक बर्थे। मैं हूं आरती गहलोत। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 28। तो आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सतना में प्रदेश के गृह मंत्री ने रेगांव विधानसभा के करही और रानही में ली जनसभाएं। सतना कांग्रेस देश में सिर्फ विमनुष्यता फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है और इनका नेतृत्व ही भ्रमित है। कांग्रेस धर्म और भय की राजनीति करती है। जब CAA आया तो कांग्रेसी बोले नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसान बिल आया तो बोले जमीनें छिन जाएगी। कोरोना की वैक्सीन बनाए तो बोले बांझपन आ जाएगा। उज्जैन में सांप्रदायिक तनाव फैलने जब लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो दिग्विजय बोले वो काजी साहब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ऐसा नेतृत्व आपने नहीं देखा होगा। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेगांव विधानसभा के करही और रानही में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती प्रतिमा बागरी के समर्थन में सभाओं को संबोधित करते हुए कही है। कोई कांग्रेसी अपने उम्मीदवार की गारंटी नहीं दे सकता। डॉक्टर मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा के उम्मीदवार प्रतिमा बागरी का समर्थन करने आया हूं, उनके लिए मतदान की अपील करने आया हूं, उनकी गारंटी लेने आया हूं, उनकी जमानत लेने आया हूं। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता अपने प्रत्याशी की गारंटी नहीं ले सकता। कांग्रेस किस बात की गारंटी लेगी? अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत भी जाए तो विकास कैसे कर पाएगा? जबलपुर से संभाग ब्यूरो दीपक बर्थे की।